इंदौर में पुलिस द्वारा आदतन अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही, लेकिन मामूली कहासुनी के कारण हत्या जैसे गंभीर अपराध सामने आ रहे हैं। और इसी के तहत एक मामला सामने है जहां मात्र खाना बनाने की बात को लेकर मजदूरों में विवाद हो गया। तो एक मजदूर ने लोहे की रॉड से सर पर वार कर हत्या कर दी। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए रामस्नेही मिश्र द्वारा बताया गया कि सावेर रोड स्थित एक निजी फैक्ट्री के कर्मचारियों ने खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला हरीश नामक कर्मचारी द्वारा धन प्रसाद नामक व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसे उसके सिर में चोट लग गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी लगते ही पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हमलावर को गिरफ्तार किया और उसे तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। हाँ, देर रात जो सावेर रोड पर रिद्धि सिद्धि फैक्ट्री है, उसके चौकीदार के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कार्यरत जो कर्मचारी है उसमें से धन प्रसाद लोधी है, जो सागर का रहने वाला है, जिस फैक्ट्री में काम करता है, उसको हरीश पिता आनंद राम चौधरी, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जो पूर्व देवास में भी था, उसके द्वारा आपस में विवाद किया गया था। तो वहीं पर एक टी टाइप की एक टामी पड़ी हुई थी, उसे सिर पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था, जिससे उसके सिर पर खून निकलने लगा था। हॉस्पिटल ले गए थे, जिस पर से उसको मृत घोषित कर दिया गया था। जिस पर से प्रथम दृष्टया अपराध धारा सदर हत्या का पाया जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सिख साक्ष जुटाए जा रहे हैं। आपस में साथ में ही रहते थे और साथीदारान ही हैं। खाना बनाने पर से किसी बात पर से विवाद हुआ है, ऐसा भी वहां पर जो चंडी साक्षी है उसके द्वारा बताया गया है। प्राथमिक सूचना पर शेष पूछताछ जारी है, अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर विवाद का कारण क्या है। वहाँ पे बेसिकली वो मजदूर ही है वहाँ पे कंपनी में, और वहीं पर रहते थे, वहीं पर खाना पीना बना करके और उसी फैक्ट्री में काम धाम करते। दोनों आपस में दोस्त हैं और एक साथ ही काम वहाँ पे कर रहे थे। लगभग 30-35 साल के बीच की उम्र है जो मृतक है, और मारने वाले की लगभग 35 साल उम्र है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।